नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों कल्की के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल्की रिलीज में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 19 तारीख आज ऑलरेडी हो चुकी है, तो 27 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, 26 तारीख को फिल्म का प्रीमियर शो है। तो एक तो ये न्यूज़ थी कि दोस्तों इस फिल्म को सेंसर से सर्टिफिकेट मिल गया है, सेंसर ने फिल्म को पास कर दिया है। तो CBFC ने इसको UA सर्टिफिकेट दिया है, मतलब यूनिवर्सल सर्टिफिकेट है, सभी देख सकते हैं, बूढ़े बच्चे जवान महिलाएं सभी देख सकते हैं। कोई मतलब कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिल्म के अंदर, कोई एडल्ट कंटेंट भी नहीं है। तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, पूरे बड़े पर्दे पर एंजॉय कर सकते हैं। 3D 2D IMAX वर्जन सभी तरह के वर्जन आ रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है। दूसरी दोस्तों, इसका रन टाइम भी सामने आ गया है। फिल्म का रन टाइम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी है इस फिल्म की, हमारी माइथोलॉजी, हमारी पौराणिक कथाएँ, हमारा इतिहास, हमारा फ्यूचर, कल्कि अवतार, तो सबको मिलाकर के अगर बातें कर रहे हैं, कम से कम दो पार्ट में फिल्म बना रहे हैं, तो इतना आवर तो बनता है, मतलब 2 घंटे 55 मिनट, लगभग 3 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे 55 मिनट की ये फिल्म है, फर्स्ट पार्ट हो तो काफ़ी अच्छा रन टाइम है इतनी बड़ी स्टोरी बताने के लिए। दो खबरें तो ये हो गई। तीसरी दोस्तों, नागाश्विन लगातार कल की फिल्म के प्रीलूड लोड कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस कि किस प्रकार से ये फिल्म बनाई गई, किस प्रकार से इसमें भारतीय इतिहास शामिल किया गया, किस प्रकार से हमारे फॉरेनर्स हैं वो विदेशी सभ्यता की जो कहानियाँ दिखाते हैं, चाहे वो एक्समैन हो, बैटमैन हो, स्पाइडरमैन हो, और किस तरह से हमने हमारे अपने देसी हीरोज को आगे बढ़ाया है, देसी सुपर हीरो जो आगे बढ़े हैं उनके बारे में पूरी बताइए। बहुत ही विजुअली कुछ दृश्य भी दिखाए गए इसमें, किस प्रकार के सेट्स बनाए गए, किस प्रकार से मेहनत की गई, उसके बारे में भी इन्होंने सारी बातें बताई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि बड़ा ही माइंड ब्लोइंग उनका विजन है, बड़ा ही ज़बरदस्त, मतलब ये आपके सिनेमाटोग्राफी दृश्य आपको नजर आते हैं। सुनिएगा आप नागाश्विन जी को, बहुत ही बड़ा एक उन्होंने यूनिवर्स रच दिया है यहाँ पे, और इसमें आपको भगवान श्री कृष्ण भी दिखाई देंगे, अर्जुन भी दिखाई देंगे, शायद नानी सलमान दुलकर और ये जो कैमियो जो छोटे छोटे इनके रोल में, एक शायद सलमान दुलकर भगवान श्री कृष्ण के रोल में नजर आए और नानी वो अर्जुन के रोल में नजर आए, तो ये भी एक लगभग कन्फर्म हो गया है और काफ़ी ज़बरदस्ती है स्टोरी होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों जहाँ तक बात करें एडवांस बुकिंग की, तो एडवांस बुकिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है, आज भी शुरू हो सकती है और कल तो डेफिनेटली शुरू हो जाएगी 100%। आज कुछ जगह शुरू हो जाएगी एडवांस बुकिंग, कुछ शहरों में शुरू हुई भी है, हैदराबाद में कुछ थिएटर्स में, तो आज कुछ जगह शुरू होगी, कल फुल फ्लैग एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, काफ़ी ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग होगी। और जहाँ तक अपन नॉर्थ अमेरिका की बात करें, $2 मिलियन से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी और डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या जाने वाली है, और कितना बड़ा फिगर आता है ये रिलीज तक, ये देखने वाली बात होगी क्या 4 मिलियन 5 मिलियन तक जा पाती है, ये जरूर कंसिडर करना होगा। बाकी जगह से भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, दुबई हो, सभी जगह से बहुत ही जबरदस्त एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आ रही है सामने, तो बहुत बड़ा कलेक्शन है ओवरसीज से आएगा, मुझे लगता है जितना हिंदी वर्जन से, जितना यहाँ से आएगा भारत से सभी भाषाओं को मिला करके, उससे कम ओवरसीज से कलेक्शन नहीं आने वाला है। और ट्रेड प्रिडिक्ट कर रहा है कि 200 करोड़ का कलेक्शन होगा, तो आप डेफिनेटली 100 करोड़ रुपए तो कम से कम आप भारत से उम्मीद कीजिएगा, और केवल हिंदी मीडियम से, केवल हिंदी वर्जन से अपन बात कर रहे हैं कि 30 से 35 करोड़ का कम से कम कलेक्शन आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि राम जी।